सुनते हो? दिल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। माँ बाप की सेवा में मुझे रति भर तकलीफ नहीं होती, उल्टा सुख मिलता है। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध ऐसी है कि यहाँ जो सितारा चमकता रहता है, लोग उसे ही देखते रहते हैं। लेकिन उन सितारों को एकदम भुला दिया जाता है जिन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली हो। कोई रिश्ता कितना ही बड़ा, कितना ही गहरा क्यों न हो, जिंदगी का हिस्सा होता है। जिंदगी किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं कि एक रिश्ता खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। एक रिश्ते के सोग में तुम जीना तो नहीं छोड़ सकती। आज जिस एक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, उनके बारे में आज किसी को भी कुछ नहीं पता। वो जिंदा है भी या नहीं, ये भी किसी को नहीं मालूम। जिंदगी में हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं, वैसे ही जिंदगी आंसुओं से, गमों से, दुखों से भरी हुई है। ये अभिनेता है राज किरण। मौका मिल जाए जब इंसान हंस खेल सके तो उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, जी भर के हंसना चाहिए। क्या चाहते हो? 80 और 90 के दशक में राज किरण ने कई फिल्मों में काम किया। दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस अभिनेता को फिल्म इंडस्ट्री और लोगों ने इस कदर भुला दिया कि आज उनका कुछ अता पता ही नहीं है। कोई कहता है कि वो पागल खाने में है, तो किसी ने उन्हें टैक्सी चलाते हुए देखा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये पता नहीं। चलिए आपको बताते हैं उनके बारे में। राज किरण का जन्म 19 जून 1949 को मुंबई में हुआ था। 26 साल की उम्र में दोस्तों राज किरण जी ने अपना एक्टिंग डेब्यू BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से किया। प्यार को जानने या समझने की जरूरत नहीं होती पूजा, सिर्फ महसूस करना ही काफी होता है। इस फिल्म में राज किरण जी के साथ अभिनेत्री सारिका भी नजर आई थी। पहले ही फिल्म से राज किरण जी ने दोस्तों दर्शकों को अपने अभिनय का कायल बना दिया। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइनें लग गईं। ये देखो। क्या? ये गाड़ी मेरी है, मेरी। मतलब? I have become a star, पूजा, a star. No. Yeah. साल 1980 में राज किरण जी की कर्ज समेत कुल 8 फिल्में रिलीज हुई। राज किरण जी लगातार एक के बाद एक फिल्में दिए जा रहे थे और कब उन्होंने फिल्मों में सेंचुरी ही मार दी। मेरी रीढ़ की हड्डी है, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली। उन्हें ही पता नहीं चला अर्थ, कर्ज, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां, बसेरा, बुलंदी जैसी फिल्मों में उन्हें खूब याद किया जाता है। बॉलीवुड की बेहद चर्चित फिल्म अर्थ का ये गाना तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जाने कितने लोगों ने ही गुनगुनाया होगा। दोस्तों, लेकिन 80 के दशक तक पर्दे पर छाए रहे राज किरण जी गुमनामी के अंधेरों में कब कैसे खो गए, ये किसी को पता नहीं चला। राज किरण जी के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन उनके पॉजिटिव किरदार वाली छवि लोगों को अब ज्यादा भा नहीं रही थी। 90 के दशक में इंडस्ट्री में नए लोग आए और राज किरण जी को काम मिलना बंद हो गया दोस्तों। ऐसे में घर में भी प्ले शुरू हो गए, वो डिप्रेशन में चले गए, उनका परिवार टूट गया। पत्नी रूपा और बेटी रिश्का को लेकर वो अलग रहने लगे। फिल्म कर्ज में राज किरण जी के साथ काम कर चुके एक्टर ऋषि कपूर जब साल 2011 में राज किरण जी के भाई गोविंद मेहतानी से मिले, तो पता चला दोस्तों कि राज किरण जी पिछले 10 सालों से अमेरिका के अटलांटा में एक पागल खाने में भर्ती हैं। उन्होंने बताया था कि राज किरण जी को छोड़कर उनकी पत्नी और बेटी चली गई थी। तब से वो अवसाद में चले गए थे और अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे। वही एक्ट्रेस दीप्ति नवेल ने उन्हें अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा था दोस्तों। इससे उलट राज किरण जी की पत्नी रूपा और बेटी रिशिका ने कहा था दोस्तों कि ऋषि कपूर के दावे में सच्चाई नहीं है। ऋषिका के मुताबिक दोस्तों उनके पिता राज किरण जी कई सालों से गुमशुदा है और उनकी तलाश पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव आज भी कर रहे हैं दोस्तों। राज किरण जी को साल 1994 में टीवी पर आखिरी बार शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में देखा गया था। दोस्तों, अब राज किरण जी इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है।
तो देखा दोस्तों आपने, एक मशहूर अभिनेता आज कैसा है, कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। उनकी गुमनामी की खबर सुर्खियों में रहती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता, ना ही अब तक पता चल पाया, मगर तलाश अब भी जारी है। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।